वालेकुम अनदर माय न्यू व्लॉग। मैं और मेरा महावीर, महावीर अपनी मामा के पास सोने गए हैं, तो हम लोग जो है अभी बैठे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि आप भी बैठे होंगे, हम भी बैठे हैं। अभी हम नमाज वगैरह पढ़ के, पंसुरा वगैरह पढ़ के बैठे हैं, तो वही कढ़ी सब खा रहे हैं। तो मैं भी कढ़ी खाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि कढ़ी कैसी बनी है, और आप लोग भी देखिएगा। ये देखिए ये कढ़ी, अब हम ये कढ़ी खाएंगे। आप भी हमारे साथ शेयर करें। अभी हमारा वजू है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मगरिब होगी, तो हम मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम फारिग होंगे। फिर दवाई वगैरह लेने जानी है थोड़ी सी ज़रा, तो दवाई लेके आएंगे मगरिब के बाद। फिर उसके बाद और फारिग हो जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत और व्लॉग बनाएंगे आपके साथ। अपनी रूटीन तो दिन भर की मैं ये बता ही देती हूँ आपको। और हमारे शौहर भी जॉब पे गए, अरेब भी, क्योंकि तारिक अपनी शॉप पे बैठे हुए हैं, अरेब अपने जॉब पे गए हैं। अच्छा, तो अभी मैं यहीं रुकती हूँ, क्योंकि मेरी कड़ी ठंडी हो रही है, और फिर बाद में आपसे बात करती हूँ। अभी जैसा कि आपने देखा कि हम जो है उस वक्त आप लोगों से बातें कर रहे थे कढ़ी के बारे में, अब कढ़ी खा ली तो मैंने कहा नमाज पढ़ लें। फिर नमाज अजान हो गई तो मैंने कहा चलो नमाज ही पढ़ लें। नमाज पढ़ी तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपना ब्लॉग यहीं से फिर कंटिन्यू कर लेती हूँ। अब जैसे कि महावीर है, महावीर अभी ऊपर गए हैं, अभी तक आए नहीं है, शायद सो जाएँ वो अपनी मामा के पास। अब तो माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह आप सब भी कहिएगा, अब वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे हैं माशाल्लाह से, खुद अपनी मामा के पास चले गए। आज वो हमें पता ही नहीं, हम लोग यहाँ सब महावीर को सब जगह देख रहे हैं, वॉशरूम में, स्टोर में, इधर उधर, तो पता चला महावीर ऊपर पहुँचे। और मैं जैसे बता रही थी महावीर ऊपर चले गए, तो फिर उसके बाद हम नीचे बैठे। मैंने कहा लो मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ, और यहीं पर मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही थी। और फिर आज हमारे यहाँ बन रही है खिचड़ी, और खिचड़ी भी देखें दो तरह की। अब हमारे बहू जो है वो बिल्कुल नमक वाली सादी खाती है, प्याज से बकरी भी, और हमारी यहाँ हमारी अम्मी के तरीके से हम लोग बनाते हैं। जैसे लहसुन की चटनी को प्याज में तल के और साबुत गरम मसाला डाल के उसको भून के बिरयानी की तरह बनाते हैं, बहुत मज़े की बनती है वो। और हमारे यहाँ खिचड़ियाँ बनी हैं दो तरह की आज, और उसके साथ लहसुन की चटनी और पुदीने वाली चटनी। अभी जब खाएँगे तो आपको दिखाएँगे कि लहसुन की चटनी और पुदीने की चटनी के साथ किस तरह लगती है। एक बिल्कुल सादी होगी, एक थोड़ी सी मसाले वाली होगी। और हमारे यहाँ वैसे खिचड़ी तो बनती नहीं, आज पता नहीं किस तरह से बन गई है, वरना हमारे यहाँ खिचड़ियाँ नहीं बनती। अब हमारा जैसे कि उरद दही बड़े का दिल चाहता है, अब हमारे यहाँ बच्चियाँ खाती हैं दही बड़े, और दही बड़े भी नहीं खाती, दही खाती हैं, बड़े सिर्फ मैं और तारिक खाते हैं, और बच्चियाँ दही खाती हैं, अरेब भी दही खाते हैं, दाल कोई नहीं छूता है हाथ, कोई भी दाल को हाथ नहीं लगाता। अब हमें उरद दही बड़े की दाल बहुत पसंद है, उरद दही बड़े बहुत पसंद है, शादियों में छठी में इसमें बनते हैं, तो हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। अब ये लोग बच्चियां कहती हैं मम्मा हम नहीं खाते। अब जैसे सर्दियां आ रही हैं, अब आएगा सरसों का साग और बथुआ, बथुए की दाल, बथुआ बथुए की दाल बहुत मज़े की लगती है, उसके साथ मूली और मूली का साग, ये सब बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद सरसों का साग कीमा, कोई तो जैसे सरसों का साग बनाता है, और उसके साथ सरसों के साग कीमे के साथ हम लोग बनाते हैं बाजरे नहीं कौन सी रोटी, मकई की रोटी बनाते हैं। हाँ याद आ गया, मकई की रोटी बनाते हैं, बाजरे की रोटी बथुए की दाल के साथ बनाते हैं, और मकई की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कढ़ी खाया खा रहे थे उस टाइम पे, फिर उसके बाद हम लोगों ने कढ़ी वगैरह खाई, फिर घूमने ज़रा चले गए, दवाई वगैरह ली, और फिर उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया मैं ऐसे बैठे हुए, फिर थोड़ा और व्लॉग बनाया था हमने। फिर इसके बाद हमने कहा चलो क्यों ना अब हम अपने व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।